हाय एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग? आयो आप लोग अच्छे होंगे। मैं हूं राहुल जयसवाल एंड स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर हमारे यूट्यूब चैनल जे आर ट्यूटोरियल्स में। फ्रेंड्स, आज अगेन आपके सामने एक मोस्ट इंपॉर्टेंट ज्योग्राफिकल लेक्चर वीडियो लेकर आ चुका हूं दोस्तों, जिसमें आज के दिन हम लोग पढ़ने वाले हैं हमारे 8th स्टैंडर्ड के लिए ज्योग्राफी सब्जेक्ट का जो हमने चैप्टर की शुरुआत की थी दोस्तों, जिसका नाम है चैप्टर नंबर 5 ओशन करंट्स। तो आज हम इस चैप्टर का लेक्चर नंबर 3 आपके लिए लेकर आ गए हैं, जो कि अगेन एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट लेक्चर वीडियो होने वाला है। तो दोस्तों, आपको याद होगा कि इसके पहले हमने इस चैप्टर की शुरुआत की थी लेक्चर नंबर 1 एंड लेक्चर नंबर 2 ऑलरेडी हमने डिस्कस किया। तो लेक्चर नंबर 2 में हम डिस्कस कर रहे थे कि ओशन करंट्स में किस प्रकार फ्लो होता है, ये सभी चीज हमने ऑलरेडी डिस्कस कर दिया। और आज एक लास्ट टॉपिक जो है इस चैप्टर का बचा हुआ है कि क्या इफेक्ट हो सकता है ह्यूमन लाइफ के ऊपर ओशन करंट का, ये हम लोग डिस्कस कर लेंगे एंड फिर ये चैप्टर को आज हम खत्म कर देंगे, यानी कि चैप्टर आज हो जाएगा टोटली कंप्लीट। तो वीडियो को एंड तक देख लेना और साथ ही में आप हमारे प्लेलिस्ट को चेक कर सकते हो अगर आपको अच्छा लगेगा। तो बहुत सारे वीडियोस हमने बना के रखे हैं, साइंस के, मैथ्स के, हिस्ट्री के, ज्योग्राफी के, सिविक्स के, इंग्लिश ग्रामर के एंड सो मेनी ट्रिक्स के वीडियो, मैथ्स ट्रिक्स के वीडियो, साइंस के फंडा ट्रिक्स एंड बहुत सारे ऐसे वीडियोस है आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। तो प्लीज जाइए हमारे प्लेलिस्ट के सेक्शन में, थोड़ा सा स्क्रॉल करिएगा और आपको बहुत सारे वीडियोस हर स्टैंडर्ड के हिसाब से देखने मिल जाएगी। और साथ ही में अगर आप चाहते हो कि आप हमें सपोर्ट करो तो प्लीज हमारे दो और चैनल है यूट्यूब पे, जिसका नाम है जेआर टॉक्स एंड जेआर व्लॉग्स। तो जरूर जाके विजिट करिएगा, पसंद आएगा तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो की, जो कि हम लोग पढ़ेंगे ओशन करंट का, जो हम लोग पढ़ रहे थे इतने दिनों से, आज हम लोग पढ़ेंगे कि इसका क्या इफेक्ट आ सकता है हमारे ह्यूमन लाइफ के ऊपर, ठीक है। इफेक्ट्स ऑन ह्यूमन लाइफ, ठीक है। चलिए इसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं ह्यूमन लाइफ, ठीक है। जैसे कि आप जानते हो ऑब्वियसली हम लोग हैं ह्यूमन, ठीक है। तो ह्यूमन लाइफ के अंदर ऊपर क्या इफेक्ट आ सकता है ये ओशन करंट का, ये सब डिस्कस करेंगे। तो देखो यार, ओशन करंट जो होता है नॉर्मली अगर हम बात करें, ठीक है, ये अपने हिसाब से फ्लो होता है। जैसे हमने कल आपको रीजन बताया था कि क्यों फ्लो होता है, बिकॉज ऑफ द टेम्परेचर, बिकॉज ऑफ द डेंसिटी ऑफ द वॉटर। तो वो क्या होता है, कहीं ना कहीं वो इजिली फ्लो होता है और जो अंदर का जो वॉटर होता है वो ज्यादातर स्टिल होता है, ठीक है ना, रुका हुआ होता है। एंड ऊपर का जो सर्फेस होता है वो ज्यादातर क्या होता है, फ्लो होता है। तो ये हमने देखा था। एंड कुछ रीजन ऐसे होते हैं जहां पे नॉर्मली फ्लो हमेशा कंटिन्यूअसली होता रहता है, एंड कुछ रीजन ऐसे होते हैं जहां पे जो करंट्स जो होते हैं, कल मैंने आपको डिस्कस किया था, देयर आर टू टाइप्स ऑफ करंट, वार्म करंट होता है, कोल्ड करंट होता है। तो कुछ कंट्रीज के आसपास जो भी समंदर बह रही है या फिर समंदर है वहां पे, ओशंस है, तो वहां पे आप देखोगे तो कोल्ड करंट फ्लो होता है। व्हाट डू मीन बाय कोल्ड करंट, दैट इज नथिंग बट ठंडी हवा चलना। तो बहुत सारे लोकेशन पे ठंडी हवाएं ज्यादा चलती है, बहुत सारे लोकेशन पे गर्म हवाएं ज्यादा चलती है, जिसको हम लोग वार्म करंट बोलते हैं। तो कोल्ड करंट भी फ्लो हो रहा है, वार्म करंट भी फ्लो हो रहा है। तो कहने का मतलब यह है दोस्तों कि कुछ ऐसे कंडीशंस होते हैं जहां पे क्लाइमेट जो होता है थोड़ा वार्मर होता है, कुछ कंडीशंस ऐसे होते हैं जहां पे क्लाइमेट थोड़ा सा ठंडा होता है। एंड इट इज ओनली बिकॉज ऑफ दीज करंट, यानी कि कोल्ड करंट्स एंड वार्म करंट्स। तो ये इसके हिसाब से आपको याद रखना है, कुछ ऐसे होते हैं जहां पे बहुत जल्दी जो करंट जो चल रहा है, कोल्ड करंट जो चल रहा है, बहुत जल्दी हवाएं जो है वो थोड़ी ठंडी हो जाती है, बहुत जल्दी हवाएं गर्म भी हो जाती है बिकॉज ऑफ द वार्म करंट। तो ये भी चीज आपको याद रखना है, ठीक है। जैसे एग्जांपल के तौर पे अगर बात करें कि बहुत सारे वार्म करंट जो है वो फ्लो होते हैं, जैसे कि एग्जांपल के तौर पे यूरोप हो गया, वहां पे फ्लो होता है। फिर अलास्का आपको पता है, वहां पे बहुत ज्यादा फ्लो होता है। फिर जापान जो है उसके साइड लाइन में, कोस्ट लाइन में बहुत ज्यादा फ्लो होता है। एंड जिसके वजह से क्या होता है कि जब वहां पे गर्म हवाएं चल रही है तो उधर का क्लाइमेट भी थोड़ा क्या हो जाता है, वार्म हो जाता है, यानी गर्म हो जाता है। ऐसा गर्म नहीं कि आपका जो रेगिस्तान में होता है वैसा गर्म नहीं, इट इज ऑल बिकॉज ऑफ द 90 डिग्री सनरेज, वो अलग चीज है, वो आपका मिड लैटिट्यूडनल जो प्लेन आ जाता है ना उसमें आ जाता है, लेकिन वो अलग चीज है, वो हम लोग कभी और डिस्कस करेंगे। लेकिन यहाँ पे एग्जांपल के तौर पे आपको बात करना है, ठीक है। और इसीलिए ये जो इलाके होते हैं ना, यहाँ पे वार्म करंट फ्लो होते हैं, तो चाहे ठंडी का मौसम क्यों ना आ जाए, ठंडी का मौसम क्यों ना आ जाए, वहां पे बर्फ नहीं जमती है, क्योंकि वहां पे कंटिन्यूअसली वार्म करंट फ्लो होने लगता है। तो वार्म करंट जब कंटिन्यूअसली फ्लो होता है तो चाहे टेम्परेचर हो चाहे नहीं हो, ठंडी का मौसम हो चाहे नहीं हो, फिर भी वो बर्फ नहीं बन सकता, क्योंकि वहां पे क्या आ रहा है, वार्म करंट्स फ्लो हो रहा है, ठीक है ना। तो इसीलिए बहुत सारे ओशंस में आपको देखने मिलता है कि वहां पे बर्फ नहीं जमता है। कुछ ओशंस ऐसे होते हैं जो ऊपर के आसपास देखोगे तो वहां पे बर्फ जो है जम जाता है, ग्लेशियर्स वगैरह का फॉर्मेशन हो जाता है, ठीक है। तो बहुत सारे मरीन लाइफ जो होते हैं, अभी हम लोग क्या पढ़ रहे थे, एक्चुअली हम लोग पढ़ रहे थे ह्यूमन लाइफ के बारे में। तो मरीन लाइफ जो होता है, इन जो पानी के अंदर जो मराइन एनिमल्स होते हैं, तो इनके ऊपर ये सब चीज का बहुत ज्यादा इंपैक्ट पड़ता है, बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है। क्योंकि देखो यार, बर्फ जब जम जाता है तो कहीं ना कहीं कुछ जो मराइन एनिमल्स होते हैं, फिशेस होते हैं या फिर अंदर के जो जीव जंतु होते हैं, उनको बहुत ज्यादा तकलीफ होने लगता है, बहुत सारे प्रॉब्लम जो है देखने मिलता है। तो उनका जो इकोसिस्टम होता है वो बहुत ज्यादा लिमिटेड होता है। सबसे पहले अगर मैं बात करूं, इकोसिस्टम इज वेरी लिमिटेड। एंड बहुत सारे ऐसे रीजंस होते हैं जहां पे, अगर आप बात करें कि कोल्ड करंट्स एंड वार्म करंट जहां पे मीट होता है, क्योंकि कुछ ऐसे भी जगह है जहां पे कोल्ड करंट जो होता है एंड साथ में वार्म करंट जो होता है, वो दोनों एक ही साथ मिल जाते हैं आके। समझ लो यहां से
ये कोल्ड करंट फ्लो हो रहा है और यहां से आ रहा है वार्म करंट। तो एक जगह होता है जहां पे ये दोनों मिलते हैं आके, तो ऐसी जब जगह होती है जहां पे मिलते हैं ना, वो जगह क्या होती है, बहुत ही ज्यादा क्रिटिकल होती है। और क्रिटिकल इसलिए भी होती है कि वो बहुत अच्छा सोर्स माना जाता है फाइटोप्लैंक्टन्स के लिए, ठीक है ना। फाइटोप्लैंक्टन्स क्या होता है अगर मैं बात करूं, देखो आपको पता होगा कि समुद्र के अंदर भी क्या होते हैं, कुछ प्लांट्स उगते हैं, तो उसी को फाइटोप्लैंक्टन्स कहते हैं। तो ये प्लांट जो उगते हैं ना, ये सबसे बेस्ट होते हैं किसके लिए, जो भी फिशेस होते हैं या फिर जो भी मराइन एनिमल्स होते हैं ना उसके लिए। क्योंकि यार उनको खाना क्या मिलता है, जैसे कि बड़ी मछली छोटी मछली को खा लेती है, लेकिन जो छोटी मछली होती है वो क्या खाएंगे, वो ऐसे ही छोटे छोटे जो प्लांट्स होते हैं उसके अंदर फाइटोप्लैंक्टन जिसको बोलते हैं उसी के ऊपर जिंदा रहते हैं। कुछ एल्गीज खाते हैं, कुछ काई जिसको बोलते हैं एल्गी वेजिटेशन होता है, ये सब चीज को वो खाते हैं और उसी चीज के ऊपर वो ग्रो करते हैं। यानी कि फिशेस के लिए खाना जो है वो यही है नॉर्मली बात करें, ठीक है। तो ये भी चीज आपको ध्यान में रखना है। और यहाँ पे इसीलिए जो फिश होती है ना, ऐसे इलाके में फिश बहुत ज्यादा तादाद में आती है, खाती है और ब्रीड भी करती है। ब्रीड करना यानी रिप्रोडक्शन करना, यानी कि जो फिश की तादाद है वो यही ये रीजन में सबसे ज्यादा बढ़ती है जहां पे वार्म एंड कोल्ड करंट जब आके मिलता है। तो ऐसे बहुत सारे जगह है हमारे वर्ल्ड के अंदर, अगर बात करें हम लोग, जैसे कि अमेरिका कोस्ट लाइन हो गया, अटलांटिक ओशन में हो गया, फिर डॉगर बैंक करके एक जगह है यूरोपियन कोस्ट में। ये कुछ एग्जांपल्स है, यहाँ पे बहुत ज्यादा फ्लो होता है। फिर इंडियन ओशन जो है, इंडियन हमारा इंडिया के नीचे वाला पार्ट जो इंडियन ओशन है, वहां पे भी ऐसे हम लोग देख सकते हैं कि वहां पे भी कोल्ड करंट एंड वार्म करंट जो है आके मिलता है। तो ऐसे जो प्लेसेस होते हैं जहां पे कोल्ड एंड वार्म करंट दोनों आके मिलते हैं ना, तो वहां पे ना फॉग बहुत जम जाता है। यानी कि देखो, जब ठंडी हवा और गर्म हवा जब एक साथ मिलती है तो ऑब्वियसली फॉग आएगा। या एक्सपेरिमेंट करके देख सकते हो, गर्म गर्म भाप निकालो और एकदम ठंडी ठंडी हवा भेजो, दोनों जब मिल जाएंगे ना तो एकदम थिक फॉग जम जाता है। एकदम फॉग मतलब आपको पता है ना, धुंध जम जाती है, फॉग जम जाता है, ठीक है। इसके लिए आपने देखा होगा दिल्ली जो शहर है, ठीक है ना, वहां पे फॉग हमेशा जमता है क्योंकि क्लाइमेट गर्म होता है खासकर। और कभी ऐसा बारिश हो गया या फिर कभी ऐसा कुछ लाइक टेम्परेचर आ गया ना ठंडा वाला, तो उसके वजह से फॉग ज्यादा जनरेट हो जाता है। एंड पॉल्यूशन भी एक फैक्टर है, लेकिन वो अलग बात है। तो फॉग जल्दी जनरेट हो जाता है वहां पे। एंड ये जो फॉग है ना, इसके वजह से ट्रांसपोर्टेशन में काफी ज्यादा दिक्कत आ जाती है। आपको पता है ट्रांसपोर्टेशन यानी कि जो शिप्स होते हैं बड़े बड़े, जो पानी का जहाज में लेके जाते हैं पानी के अंदर, समुद्र के अंदर, तो ट्रांसपोर्टेशन में बड़ा दिक्कत कर देता है। एंड यहाँ पे बहुत सारे आइलैंड्स भी वहां पे पाए जाते हैं, इधर पे भी बहुत ज्यादा चीज देखने मिल जाता है। एंड कोल्ड करंट के वजह से यहाँ पे जो आइसबर्ग्स होते हैं, यानी कि जो ग्लेशियर्स होते हैं, बड़े बड़े पहाड़ जो होते हैं बर्फ के, ठीक है ना, वो भी यहाँ पे पोलार एरियाज में कैरिड अवे हो जाते हैं। यानी कि वो लेके चले जाता है उसको, बहते बहते वहां पे वो चले जाते हैं। एंड ये आइसबर्ग्स जो होते हैं ये मराइन रूट्स के आसपास आते हैं, बहुत ज्यादा शिप्स के लिए हार्मफुल होते हैं। क्योंकि देखो क्या होता है, जब समुद्र में बड़ी बड़ी जहाजें जब चल रही है, लेट्स सपोज एग्जांपल के तौर पे, एंड रास्ते में अगर कोई बर्फ का पहाड़ आ गया, तैरते तैरते और टकरा गए उससे, तो क्या हो जाएगा, टाइटैनिक जैसा हाल हो जाएगा। आपको पता है टाइटैनिक एक बहुत बड़ा शिप था जिसको माना जाता था कि वो कभी डूब ही नहीं सकता, लेकिन यार एक आइसबर्ग से वो टकरा गया, ठीक है ना। ये सब चीज आई गेस अटलांटिक ओशन में हुआ था। तो अटलांटिक ओशन में जो हुआ था, यूरोप से शायद वो यूएस जा रहा था, अमेरिका जा रहा था, आई गेस, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है, लेकिन इतना मैं बोल सकता हूँ कि आपको समथिंग उसके आसपास ही था, इंग्लैंड से निकला था या फिर यूरोप के कहीं तो कंट्री से निकला था। अटलांटिक ओशन में जाके एक आइसबर्ग से टकरा गया, एंड वो इतना बड़ा शिप, अनसंकन उसको शिप कहते थे, यानी डूब ही नहीं सकता ऐसा शिप, वो भी डूब गया। तो इसीलिए ट्रांसपोर्टेशन के लिए और शिप्स के लिए बहुत ज्यादा खतरनाक हो सकता है, जानलेवा भी हो सकता है ये जो शिप्स होते हैं, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं कि ये जो चीजें हैं आपको क्या क्या इफेक्ट हो सकता है ह्यूमन लाइफ के ऊपर, ये आपको समझ में आ गया होगा। एक और टॉपिक है, इसको हम लोग डिस्कस करना है, जो कि होता है दोस्तों डीप ओशन करंट, इसको भी हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। डीप ओशन करंट, ये क्या होता है डीप ओशन करंट, इसकी अगर हम बात करें, ये बहुत ही ज्यादा सिंपल टॉपिक है। तो बेसिकली क्या होता है कि एक पानी जो होता है उसकी एक गहराई होती है, जैसे कि आप जानते हो कि समझ लो ये समंदर है आपका, ठीक है ना, ये आपका क्या है, समंदर है। तो जैसे मैंने आपको बताया था, आपको याद होगा कि पानी बहुत गहरा होता है, लगभग 300-350 मीटर तक गहरा होता है। समंदर की जो गहराई होती है वो 1-1 किलोमीटर तक जाती है, डिपेंड कि कौन सा टाइप का समंदर है। तो स्टार्टिंग का जो लगभग 50 मीटर जो होता है ना, स्टार्टिंग का जो लगभग यहाँ पे माफ कीजिएगा 500 मीटर जो होता है ना स्टार्टिंग का, वो बहुत ज्यादा क्रिटिकल होता है। क्रिटिकल इसलिए भी होता है कि ये जो रीजन होता है ना यहाँ पे, वहां पे ओशंस के अंदर जो वार्म एंड कोल्ड करंट जो है वो वहां के रीजन तक वो जो है वो फ्लो हो सकते हैं, यानी इतनी गहराई तक जो है वो फ्लो हो सकते हैं। साथ ही मैं अगर बात करूं कि टेम्परेचर और डेंसिटी इसी के ऊपर डिपेंड करता है। कभी कभी ऐसा भी होता है नॉर्मली कि ये 500 मीटर की गहराई तक, आपको पता है कि यार सन रेज भी अगर पड़ रहे हो टेम्परेचर का भी फर्क आएगा। तो जैसे कि अगर यहाँ पे टेम्परेचर बहुत ज्यादा हो गया तो ये पानी क्या हो जाएगी, गर्म हो जाएगी। एंड जैसे आपको पता है कि अगर पानी गर्म हो जाती है तो कहीं ना कहीं उसके अंदर एक फ्लो क्रिएट हो जाता है, तो इस पानी जो है वो कभी नीचे की तरफ जाएगा, यहां से पानी ऊपर की तरफ आएगा, तो एक सर्कुलेशन उसमें होता रहता है। तो सर्कुलेशन होने की वजह से यहां पे क्या हो जाता है, एक मूवमेंट हमेशा क्रिएट हो जाता है। और यही जो सर्कुलेशन होता है ना, इसको कहते हैं दोस्तों थर्मोहलाइन सर्कुलेशन। क्या बोलते हैं ये आपको याद रखना है, कभी कभी एग्जाम में पूछता है, ठीक है, थर्मोहलाइन स्पेलिंग याद रखना, थर्मोहलाइन सर्कुलेशन, ठीक है ना। ये सर्कुलेशन अक्सर देखा गया है समुद्र के अंदर, ओशियंस के अंदर, ठीक है, थर्मोहलाइन
क्या बोलते हैं, सर्कुलेशन बोलते हैं। ये किसके वजह से हुआ? बिकॉज ऑफ द डिफरेंस इन द टेम्परेचर एंड द डेंसिटी, ये दो चीज के वजह से सर्कुलेशन क्रिएट होता है समंदर के अंदर। और ये जो फ्लो होता है ना, वो पूरे नीचे से लेके ऊपर तक होता है, यानी कि दोनों तरफ से भी ये जो फ्लो है कंटिन्यूअसली देखा गया, और रिवर्स में भी देखा जाता है, ना कि सिर्फ ओशियंस, रिवर में भी ये जो फ्लो है वो अक्सर देखा गया है। और यही टेम्परेचर का जो डिफरेंस क्रिएट होता है ना, अलग अलग पार्ट जो ओशियंस के होते हैं, इसमें सबसे बड़ा जो रोल होता है वो किसका होता है? करंट्स का होता है, कि जो करंट्स फ्लो हो रहे हैं, वॉर्म करंट एंड ओशियन करंट एंड कोल्ड करंट, तो इसके लिए बहुत ज्यादा फर्क डालते हैं। और जो वॉर्म करंट जो होता है ना, उसका जो सैलिनिटी होता है, जो डेंसिटी होता है, काफी ज्यादा लो होता है, यानी कि गर्म हवाएं का जो डेंसिटी होता है वो क्या होता है? लो होता है, ऑब्वियसली हम ये चीज जानते हैं। और जो ठंडी हवाएं रहती है उसकी जो डेंसिटी होती है वो थोड़ी सी हाई होती है, सैलिनिटी उसकी हाई रहती है। इसी के लिए हम लोग बोल सकते हैं कि जो ग्रीनलैंड हो गया, यूरोप जो हो गया ना, ये इसीलिए बहुत ज्यादा गहराई में है, नीचे की तरफ है, थोड़ी गहरे हैं, डेप्थ की तरफ है। एंड इसीलिए जो वाटर होता है ना, वो अंटार्कटिका की तरफ ज्यादा चल जाता है, क्योंकि वो थोड़ी सी ज्यादा गहराई में है, डेप्थ में है, तो वाटर जो है अंटार्कटिका की तरफ बहुत ज्यादा है, एंड पानी धीरे धीरे वहां से मूव होता रहता है। और लगभग ये सब चीज को डिस्ट्रीब्यूट होते होते, क्योंकि यार ये हमारा जो दुनिया है वो इतना लाइक 5-10 साल में फॉर्म नहीं हुआ, इसको करोड़ों साल लगे हैं, तो धीरे धीरे ये मूवमेंट्स के वजह से ही ये सब चीज का फॉर्मेशन हुआ है। और ये सब चीज को लगभग 500,000 साल भी बीत जाएंगे तो भी ये सब चीज नहीं होता, और ये कंटिन्यूअसली घूमते रहते हैं, पूरे वर्ल्ड में ऐसा घूमते रहते हैं और एक बेल्ट जैसा फॉर्म करते हैं। इसीलिए इस बेल्ट को एक कन्वेयर बेल्ट कहा जाता है, जिस प्रकार मशीन में कन्वेयर बेल्ट होता है ना, कि वो एक मशीन लगा दो, जैसे आटे की चक्की होती है ना, उसमें एक बेल्ट होता है, तो वो कंटिन्यूअसली घूमते रहता है, एक इधर मशीन होता है, गोल मशीन इधर, तो ये घूमता रहता है, घूमता रहता है, घूमता रहता है। उसी प्रकार हमारे वर्ल्ड में भी जो ओशियन करंट्स होते हैं वो भी ऐसे घूमते रहते हैं, और वो जो बेल्ट कहलाता है इसको कन्वेयर बेल्ट कहते हैं। ये चीज आपको याद रखना है, क्लियर है? तो उम्मीद करता हूं कि ये चीज आपको समझ में आ गया होगा। और इसका इंपॉर्टेंस की अगर मैं बात करूं, ठीक है ना, ये जो ओशियन करंट है, ठीक है ना, इसका इंपॉर्टेंस की अगर मैं बात करूं, तो इंपॉर्टेंट इसलिए भी है क्योंकि यार जो थर्मोहलाइन जो सर्कुलेशन की मैंने जो बात किया था ना, इसके वजह से क्या होता है कि मूवमेंट्स होता रहता है। मूवमेंट्स होना ओशियंस के अंदर बहुत ही अच्छी बात है, जिसके वजह से सर्कुलेशन बना रहता है, और ओशियन वाटर जो है वो अलग अलग जगह पे वो ट्रैवल भी करता रहता है, ऊपर की तरफ से नीचे जाता है, जैसे हमने बताया, ऊपर की तरफ से नीचे जाता है, नीचे की तरफ से ऊपर आता है, तो एक सर्कुलेशन प्रोवाइड होता है, जिसके वजह से जो बाकी के जो लाइफ है, मरीन एनिमल के लाइफ है जो, वो भी बहुत अच्छे से होते हैं। एंड जो वार्म वाटर होता है वो ट्रांसफर होता है नीचे की तरफ, एंड जो कोल्ड वाटर है वो ऊपर की तरफ, और इस प्रकार जो है सर्कुलेशन होता रहता है, जिसके वजह से ये दुनिया बहुत अच्छे से स्मूथली जो है वो अच्छे से चल रहा है, और ये ओशियन करंट का फॉर्मेशन बहुत अच्छे से हो पा रहा है। क्लियर है दोस्तों? तो उम्मीद करता हूं कि ये चीज भी बहुत ही इजिली आपको समझ में आ गया होगा। एंड आज का जो टॉपिक है इसी के साथ हमारा समाप्त होता है, यही सब टॉपिक्स हमें आज पढ़ने थे, एक्सप्लेनेशन देने थे, तो उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे से आपको ये चीज क्लियर हो गया होगा। तो बस आज के लिए इतना ही, ये वीडियो इसी के साथ समाप्त होता है। साथ ही में दोस्तों, ये जो चैप्टर है जिसका नाम है चैप्टर नंबर 5 ओशियन करंट्स, तो ये भी होता है इसी के साथ टोटली समाप्त। ठीक है दोस्तों, तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, एंड उम्मीद करता हूं कि ये चैप्टर आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा, ये चैप्टर आपको कैसा लगा, प्लीज हमें कॉमेंट करके बताइएगा, अपनी राय और सजेशन जरूर से दीजिएगा। वीडियो अगर पसंद आया है, अच्छा लगा है दोस्तों, तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर जरूर से कर देना, अपने सारे फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स को फटाफट से शेयर कर देना दोस्तों। एंड अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना, साथ में एक बेल आइकन होता है उसको प्रेस कर देना दोस्तों, प्यार से प्रेस कर दो, ताकि यार फ्यूचर में हम कोई भी वीडियोस को अपलोड करेंगे तो आप लोग को नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में, ये वीडियो देखने के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।